This story is brought to you by tapeatale.com. जयपुर की एक छोटी सी कॉलोनी में एक टिपिकल कंजर्वेटिव फैमिली में रहने वाली माँ पा की वो आइडल बेटी जो कभी कुछ गलत नहीं कर सकती. बट वॉट इफ शी वॉन्ट्स टू सी द वर्ल्ड बियॉन्ड. झूठ शायद एक ऐसी चीज जिसके बोलने से हमें लगता है कि हम मुसीबतें टाल कर अपनों के और करीब आ सकते हैं या फिर उनके उतना ही करीब रह सकते हैं. पर कई बार ये झूठ ना ये सिर्फ एक एस्केप नहीं होता. कई बार ये जिंदगी में हमें इतना क्रूशल लगने लग जाता है कि हम हर बात में झूठ बोलते हैं. बड़ी बात हो या छोटी, झूठ बोलने का कोई मतलब हो या नहीं, बस हम वो बोलते हैं. एक अजीब सी आदत, कहो तो बीमारी, जो हमें खुद से और खुद के असल मतलब से खींच कर कहीं दूर ले जाती है जहां हम खुद के सवालों का ही जवाब नहीं दे पाते. तो आज से कुछ सालों पहले जब एक बार रात को 10 बजे मैं अपने एक फ्रेंड से बात कर रही थी. अब मेरी कंजर्वेटिव फैमिली में क्या है, लड़कों से बात करना अपराध है. और जब एक लड़के से आप रात को 10 बजे बात कर रहे हैं तो एक बहुत ही बड़ा अपराध है. तो उस रात ऐसा ही कुछ हुआ था. मुझे टाइम का पता नहीं था और जैसे ही मैंने देखा कि पापा आ गए हैं और 10-15 हो गए हैं, मेरी धड़कनें बढ़ गई. पर उतने में ही पापा आ गए और पापा ने झांक कर मुझे बोला, किससे बात कर रही है? मैंने कहा, पापा राधिका, मेरी बेस्ट फ्रेंड. पापा को पता था कोई और है तो पापा ने आते ही फ़ोन छीन लिया और बेस्ट फ्रेंड ही लिखा हुआ था क्योंकि वो फ्रेंड भी मेरा बेस्ट फ्रेंड था. तो पापा ने कहा कि अच्छा, और पापा ने फ़ोन लगाया और बेस्ट फ्रेंड थोड़ा समझदार था तो उसने फ़ोन काट दिया पर पापा ने उसे कॉल बैक किया. अब बेस्ट फ्रेंड इतना भी समझदार नहीं था तो उसने कॉल उठा लिया. उसके बाद हुआ सिर्फ इतना कि पापा को बहुत गुस्सा आया, पापा ने फ़ोन पटका. और आज लगता है कि शायद अगर उस दिन मैं सच बोल देती तो जो बेल्ट के निशान मेरी पीठ पे आज भी है ना, वो शायद नहीं होता. और ये छूट ना, ये आदत बन गई थी मेरी क्योंकि मुझे हर वो चीज़ करनी थी जिससे मुझे घर वाले या फ्रेंड या कोई भी रोक रहा था. मुझे हर वो चीज़ एक्सप्लोर करनी थी जो मुझे हमेशा से करनी थी. मतलब झूठ वॉज लाइक अ की टू डू एवरीथिंग दैट आई वॉन्टेड टू. पर क्या कहते हैं, अच्छी चीज़ तो आई पर एक बुरी भी आई. गीज़र तूने ऑन किया? नहीं. एक एक्स्ट्रा रोटी तूने खाई? नहीं. हालांकि अगर मैं हाँ बोलती थी कोई मुझे मारता नहीं. अगर मैंने गीज़र टाइम पे ऑन किया मम्मी खुशी होती, और अगर एक्स्ट्रा रोटी खाती तो मम्मी ऑब्वियसली खुश होती. मम्मी खुश होती बट मैं फिर भी झूठ बोल रही थी, पता नहीं क्यों, नो रीज़न बट एक हैबिट. और मैंने खुद से ये सवाल कि आखिर मैं झूठ क्यों बोलती हूँ तब पूछा जब मैं इन सब चीज़ों से बहुत दूर आ चुकी थी, मुंबई. पर ज़िंदगी में एक ऐसा मोड़ आया जब मेरी लाइफ में इन झूठों ने मेरे से एक बहुत इंपॉर्टेंट इंसान, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ छीन ली. सो मेरी ना एक प्रॉब्लम है, मैं एज वाइज तो बड़ी हो गई पर दिखती मैं अभी भी थोड़ी बच्ची सी हूँ. सो क्रशेज इन्फैटुएशन तो प्यार वो तो मुझे भी होता है, पर लोगों को लगता है कि इफ दे आर लाइकिंग मी बैक इट वुड मेक देम अ पीडोफाइल. बट द फैक्ट दैट यू आर 19 एंड आई एम 19 वोंट मेक यू दैट. बट पीपल डोंट अंडरस्टैंड, दिस इज अ स्टीरियोटाइपिकल सोसाइटी. सो दिस वॉज सेम बट ही वॉज डिफरेंट. ही वॉज रियली गुड. दिस वॉज द फर्स्ट टाइम आई वॉज एवर फीलिंग लव्ड. आई वॉज एवर फीलिंग कॉन्फिडेंट. नोबडी टोल्ड मी दैट माई हैंड वॉज स्मॉल और मेरे पाँव का साइज थोड़ा एबनॉर्मल था, बट ही वॉज मेकिंग मी फील लव्ड एंड कॉन्फिडेंट. पर इस रिलेशनशिप में भी झूठ थे, थोड़ा पोजेसिव वो था, बहुत गलती मेरी थी और मैं सपने पूरा करना चाहती थी और मैं उस रिलेशनशिप में भी रहना चाहती थी. और उस इंसान को खो देने का डर हमेशा से मेरे अंदर था, इसलिए झूठ था. उसने हमेशा कहा कि वनिका झूठ मत बोला कर, शायद उससे मैं एक दिन चला जाऊंगा. पर मुझे लगता था शायद मैं झूठ बोलूंगी तो झगड़ा कम होगा क्योंकि मुझे लाइफ में वो सब करना है जो मुझे करना है. और एक दिन ना उसकी कही बात सच हो गई, वो चला गया, उसका ट्रस्ट टूट गया. और उस दिन मुझे एक बात रियलाइज़ हुई कि रिश्ते कम झगड़ों से नहीं, सच और विश्वास से मजबूत होते हैं. जब मैंने उसको खो दिया तो मैं बहुत दूर थी इन सब से, मुंबई में, जहाँ पर मम्मी पापा ने वो फ्रीडम दे दी थी जो मुझे हमेशा से चाहिए थी, और वो भी खुशी खुशी. और जिस इंसान को मेरे लिए कंसर्न था वो भी मेरी लाइफ से चला गया था. और इस ब्रेकअप और लोनलीनेस की फ्रस्ट्रेशन में मैंने खुद से यही सवाल पूछा कि आखिर मैं झूठ क्यों बोलती हूँ, और उसका सिर्फ एक ही जवाब था, डर. उस चीज़ को ना कर पाने का डर जो मुझे हमेशा से करनी थी, उस इंसान को खो देने का डर जो मेरे लिए हमेशा से प्यारा था, डर डर डर. और इस डर को फाइट करने का एक ही तरीका था, खुद को शीशे में
देखकर खुद को ये समझाना, डर को ये समझाना, डर की आंखों में आंखें डालकर खुद को ये समझाना कि वनिका तुझे कोई भी किसी भी चीज़ को करने से नहीं रोक सकता। तो अपने इस आशियाने को डर नहीं बल्कि हिम्मत के दम पर खड़ा कर, क्योंकि एक दिन ये डर और झूठ का आशियाना तो टूट जाएगा। विश्वास और हिम्मत से तेरा आशियाना मजबूत होगा तो ज़िंदगी में सब कुछ ठीक होगा। आजकल मम्मी को सब बताती हूँ, ऐसा नहीं है कि सब बताती हूँ, थोड़ा थोड़ा छुपाती भी हूँ, बट थोड़ा आगे मैं आई हूँ ज़िंदगी में, पता है कि एक मोड़ ऐसा भी आएगा जब माँ को सब बताने लगूँगी। पर तब तक के लिए एक विश्वास है कि अब खुद से झूठ बोलना कम कर दिया, अब खुद को सच्चाई पता है और एक दिन मम्मी को भी सब पता होगा। थैंक यू।